तो दोस्त इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें टीईटी रिजल्ट 2021 दोस्तों जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट कुछ ऐसा शो करेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पर वास्तविक स्कोर शो करेगा, नॉर्मलाइज स्कोर शो करेगा और अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर भी शो किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पर देखिए शो करेगा अनुक्रमांकीय। तो गाइस, आपको इस रिजल्ट को डाउनलोड कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग अपने मोबाइल फोन में इस रिजल्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 2 सेकंड में डाउनलोड करें रिजल्ट। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको एक बार पहले तरीका समझना पड़ेगा, तभी आपका 2 सेकंड में डाउनलोड होगा, ठीक है। और दोस्तों, जाने क्या है पासिंग मार्क, देखिए आपको बता दें रिजल्ट के लिए दोस्तों आपको कौन सी वेबसाइट देखनी है, dlredresult.com, dlredresult.com। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वेबसाइट के माध्यम से पीईटी के बारे में सारी अपडेट मिलती रहेंगी। बाकी दोस्तों, जनरल ओबीसी एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए क्या है पासिंग मार्क, और दोस्तों हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सब कुछ दोस्तों आपको जो अपडेट होगी इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पहले हम आपको रिजल्ट डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस समझाते हैं, उसके बाद दोस्तों आगे की बातें देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन कर लेना है और देखिए यहाँ पर सर्च क्या करना है, dlredresult.com, dlredresult.com। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर वेबसाइट दिखेगी dlredresult 2021, आपको इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे UPSSC PET Result 2021, सिंपल सा हमें यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है और देखिए हमारा रिजल्ट जारी हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं UPSSC PET Result 2021, यहाँ डाउनलोड पर हमें सिंपल सा क्लिक कर देना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 सर्वर दिया गया है, सर्वर 1 और सर्वर 2। तो गाइस, हमें पहले सर्वर 1 पर चेक करना है ताकि भैया अगर रिजल्ट पहले खुल जाए तो ये बढ़िया है, अगर ये ना चले तो आप सर्वर 2 पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर 1 पर क्लिक करें। एक बात और आपको बता दें, अगर आपका रिजल्ट डाउनलोड ना हो तो वेबसाइट को लगातार रिफ्रेश करते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए रिजल्ट का आइकन शो कर रहा है ना, ये रिजल्ट, बस यहाँ पर देखिए क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे रिजल्ट पर टच करेंगे, देखिए लिख क्या रहा, क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट, ठीक है, इस पर दोस्तों हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए व्यू रिजल्ट दिख रहा है, इस पर दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करना है, क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट। और उसके बाद देखिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। देखिए गाइस, अगर आप अपना रोल नंबर वाइज अगर रिजल्ट देखना चाहते हो तब भी देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में दोस्तों आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो भी दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ है, देखिए अगर इसको सही सही डालना है, कुछ भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल सेलेक्ट करेंगे, इंटर वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कैप्चा वैल्यू देखिए यहाँ पर दी गई, इसी को डाल देना, PV V 9 और J, जैसे दोस्तों ये लिखा होगा वैसे ही लिखेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद सी रिजल्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपका रिजल्ट ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है आपका वास्तविक स्कोर कितना है, अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आप 67 आ रहा है। फिर उसके बाद अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज स्कोर कितना है, दोस्तों 65 है। और अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर दोस्तों कितना आ रहा है, 89.02 करके दोस्तों यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है आपका रिजल्ट क्या है। आप यहाँ पर देखिए रोल नंबर भी शो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर या पंजीकरण क्रमांक, आपका नाम, पिताजी का नाम, जाति श्रेणी, ये दोस्तों यहाँ सब कुछ शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर देखिए आप अपना रोल नंबर, पासवर्ड या कुछ भी भूल गए तो वहाँ पर दोस्तों देखिए उसको प्राप्त करने का भी तरीका दिया गया है वेबसाइट में, उसका लिंक हम अलग से भी आपको दे देंगे। फिलहाल दोस्तों ये आपका रिजल्ट रहा, देखिए आप लोग पहले अपना रिजल्ट डाउनलोड करके देख लीजिए कि आखिर आपका कितना नंबर आ रहा है। काफ़ी बच्चे परेशान थे कि यार हमारा रिजल्ट कैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है, 2-3 बार आप रिफ्रेश करेंगे पेज को, डेफिनेटली आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।